हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम सीखेंगे दिस और दैट का यूज ऑफ दिस और दैट। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब भी होता है, दैट का मतलब होता है वह। मतलब कि जब पास की वस्तु होती है, पास में कोई वस्तु होती है तो पास की वस्तु के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, और जब कोई वस्तु दूर होती है तो दूर की वस्तु के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, अगर हमें लिखना है यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है, मतलब कि कोई बिल्ली जो है पास में है, यह कहा गया है, तो हो जाएगा यह की इंग्लिश होती है दिस, तो हो जाएगा दिस। और है की इंग्लिश होती है इज, उसके बाद एक बिल्ली है तो लिखेंगे ए, और बिल्ली की इंग्लिश होती है कैट, CAT कैट, तो हो जाएगा दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। उसके बाद देखिए दूसरा हम सेंटेंस अगर लें, दिस इज ए बॉल, मतलब कि वह यह एक गेंद है। और अगर हम इसी तरह से कहें वह एक घोड़ा है, वह एक घोड़ा है, अगर वह एक घोड़ा है हम कह रहे हैं, तो वह मतलब कोई दूर की चीज़ को हम दिखा रहे हैं, तो दूर की चीज़ के लिए होता है वह के लिए होता है दैट, और है की इंग्लिश होती है इज, एक की इंग्लिश होती है ए, और घोड़े की इंग्लिश होती है हॉर्स, HORSE, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, तो हो जाएगा वह एक घोड़ा है, दैट इज ए हॉर्स। उसके बाद देखिए अगर हम तीसरा सेंटेंस लें, जैसे अगर हम ले लें यह एक बल्ला है, यह एक बल्ला है, अगर हमें लिखना है यह एक बल्ला है, तो यह मतलब पास की वस्तु है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे दिस का, तो दिस मतलब होता है यह, हम लिखेंगे दिस। उसके बाद हम लिखेंगे है की इंग्लिश, तो हो जाएगी इज, इज मतलब होता है, उसके बाद लिखना है एक की इंग्लिश, तो ए मतलब होता है एक, और बल्ला है तो बल्ला की इंग्लिश होती है बैट, तो हो जाएगा BAT बैट, दिस इज ए बैट, यह एक बल्ला है। उसके बाद देखिए हम और सेंटेंस लेते हैं, मान लीजिए हम चार नंबर का कोई सेंटेंस ले, तो जैसे क्या होता है कि यह दिस और दैट जो होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन कर्ता के लिए, कर्ता के साथ होता है। तो अगर हमें लिखना है यह, मतलब कि यह पुस्तक, इस तरह से हमें खाली लिखना है यह पुस्तक, तो इसके लिए हो जाएगा दिस, दिस मीन्स यह, और BOOK बुक मतलब होता है पुस्तक या किताब। अगर हमें कहना है यह कलम, नंबर पाँच हम लें यह कलम, यह कलम, तो हो जाएगा इसका दिस पेन, यह कलम। अगर हमें मिल रहा है वह घर, इस तरह से हमें बोलना है या लिखना है वह घर, तो वह का हो जाएगा दैट, और घर का हो जाएगा हाउस, दैट हाउस। उसके बाद देखिए सेवन नंबर है यह कुत्ता, यह कुत्ता, तो यह के लिए होगा दिस, और कुत्ता के लिए होगा डॉग, दिस डॉग, यह कुत्ता। उसके बाद है यह हमारी गाय है, अगर हमें लिखना है यह हमारी गाय है, तो जाएगा दिस इज आवर काउ, यह हमारी गाय है। तो ये हमने आज सीखा दिस और दैट का यूज, किस तरह से दिस और दैट का यूज किया जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से और भी वीडियोज़ के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।